तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन जो है यहाँ पर बनकर के लगभग तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप सभी लोगों को यहाँ पर डिटेल से जो बात हम करने वाले हैं वो यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि कई सारे लोग जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि यार ये चीज इस तरीके से नहीं बताई, ये चीज इस तरीके से नहीं बताई, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन का या फिर इस का जो इनॉग्रेल है वो अहमदाबाद यानी कि कालूपुर रेलवे स्टेशन से किया जा सकता है। रीजन क्या है कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होना है, जो कि देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है, और इसका जो ट्रायल है दोस्तों वो यहाँ पर शुरू भी हो गया है। कई सारे लोगों के पास है दोस्तों इसके वीडियोस और फोटोज जो है यहाँ पर देखने के लिए पहुंच भी गए हैं। लेकिन अब जो कल यानी कि 10 सितंबर 2022 को शनिवार को जो है दोस्तों उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में OMS ट्रायल ले लिया गया है, जिसमें यहाँ पर स्पीड ट्रायल के साथ साथ यहाँ पर ट्रेन के टाइम टेबल को सेट करने के लिए यहाँ पर ट्रेन के संचालन को यहाँ पर करना जरूरी है। नया नया रूट है जिसके लिए यहाँ पर ट्रेन को दोस्तों इंटरसिटी एक्सप्रेस के जो जो हॉल्ट होने वाले हैं उन हॉल्ट पर रोकते हुए इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा और किया गया है, और इस ट्रेन को जो है दोस्तों असरवा रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। अब जितना भी समय उस ट्रेन ने लिया होगा दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों इस ट्रेन का टाइम टेबल जो है यहां पर सेट होगा। अब जितना जल्दी हो सके दोस्तों इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन का जो टाइम टेबल है या फिर इनॉग्रेशन का टाइम टेबल और साथ ही जो परमानेंट असरवा उदयपुर इंटरसिटी चलने वाली है उसका जो टाइम टेबल है दोस्तों उसको भी यहां पर सेट किया जा सकता है। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दोस्तों उसको भी यहां पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 अहमदाबाद से जो है उसको यहां पर इनॉग्रल दिया जा सकता है या फिर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 अहमदाबाद यानी कि कालूपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगर ट्रेन को इनॉग्रल किया जाता है वंदे भारत को, तो फिर उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस कहां से संचालित की जाएगी? तो दोस्तों यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि या तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर असरवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इसको इनॉग्रल दिया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी हां दोस्तों, यह चीज यहां पर बिल्कुल क्लियरली हो सकती है, और यह चीज भी हो सकती है कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला जा सकता है, उसके बाद में कहीं वंदे उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया जाएगा। आप लोग अपनी राय जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके बता सकते हैं, और जी हां दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कई सारे लाइव अपडेट जो है जो अब आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो यहां पर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना ताकि इस चैनल पर आने वाले हर अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल को बेल आइकन के साथ में यहां पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।